गुड़गांव का तो सेक्टर 80 है, जिस एरिए के अंदर हम जाना पसंद नहीं कर रहे हैं आज के दिन, बट वही जो एरिया है कल को एक क्रीम बनेगा, यानी एक इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। सेक्टर 80 के बारे में आपको प्रॉपर प्लानिंग और फ्यूचर, क्योंकि ये राइट समय है कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप गुड़गांव NCR के अंदर ट्राई करें तो उस एरिए में क्या हुआ है, आसपास में क्या डेवलपमेंट होगी और कुछ समय से वो एरिया किस हिसाब से डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से आने वाला है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके पास मेजर जो रोड की कनेक्टिविटी है वो आती है, और ये अकेला ऐसा सेक्टर है जिसमें रोड कनेक्टिविटी इंटरनल है वो बड़ी है, और अकेला ऐसा सेक्टर जिसके पास सबसे बड़ा ग्रीन एरिया है, यानी इन्वायरमेंट एरिया है, NGT एरिया है, सिक्योरिटी का एरिया है, गोल्फ का एरिया है, पार्क वगैरह टोटली SPR रोड है। SPR रोड से सेक्टर 80 तक DLF की तकरीबन 600 एकड़ की डेवलपमेंट अभी आनी है, तो वो जो एरिया है वो अलग ही रूप के अंदर वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, सारा का सारा ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट के ऊपर है, उस एरिया को उभारा जाएगा। 80 लास्ट डेवलपमेंट का पार्ट है गुड़गांव का, उसके आगे अगर आप देखोगे KMP फिर धारूवेड़ा, ये वाला जो एरिया है वहाँ पे जाके आपको डेवलपमेंट देखने को मिले, क्योंकि बीच में सारी नेशनल हाईवे NH8 के साथ HSIDC का लैंड पार्सल है। यानी गुड़गांव का जो सेक्टर 80 है, जिस एरिए के अंदर हम जाना पसंद नहीं कर रहे हैं आज के दिन, बट वही जो एरिया है कल को एक क्रीम बनेगा, यानी एक इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। यानी कई ऐसे एरिए जो आज बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं और वहाँ पे रेट इतने हैवी हो चुके हैं कि लोगों का बजट गड़बड़ा गया। आज मैं सेक्टर 80 के बारे में आपको प्रॉपर प्लानिंग और फ्यूचर, क्योंकि ये राइट समय है कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप गुड़गांव NCR के अंदर ट्राई करें, ये एरिया इतना प्रीमियम एरिया है जो आने वाले समय में हो सकता है आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पे देगा। और मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें क्लियर करूँगा, एक एक चीज़ समझाऊँगा प्रैक्टिकल तरीके से, और आप खुद सोचना कि क्या यहाँ पर होगा, ऐसी इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर आपको ये लगे कि हाँ, ये जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की समझ में आई, तो दोस्तों बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उस एरिए को जानते हैं, उस एरिए में क्या हुआ है, आसपास में क्या डेवलपमेंट होगी और कुछ समय से वो एरिया किस हिसाब से डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे दो स्क्रीन आपके साथ शेयर की हुई, एक तो ये सेक्टर जो 80 है इसका मैप है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपसे ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि जो सेक्टर 80 था उसके अंदर HSIDC की लैंड पार्सल थी, और उसमें तकरीबन 4 जो लैंड पार्सल और जो डेवलपरों ने खरीदे थे वो 500 करोड़ के खरीदे थे, यानी इसमें त्रिहान ने किया था 190 करोड़ का, उसके बाद 5.8 एकड़ था जिसके अंदर 190 का, एल्डिको ने 110 करोड़ में खरीदी थी ज़मीन 2.7 एकड़ की, और फिर कॉन्सिन ने 200 करोड़ रुपये पेड किए थे 5.56 एकड़ के अंदर। तो यानी टोटल 500 करोड़ के अंदर ये लैंड पार्सल खरीदा गया था, और सेक्टर 80 के अंदर जो लैंड पार्सल 200 एकड़ का है वो सारा HSIDC के अंडर आता है, और सेक्टर 80 के अंदर आपको जो इंटरनल जो रोड है वो 30 मीटर के मिलने वाले हैं, बाकी जो रोड हैं अदर सेक्टर्स के वो आपको 24 मीटर के मिलते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके पास मेजर जो रोड की कनेक्टिविटी है वो आती है, और ये अकेला ऐसा सेक्टर है जिसमें रोड कनेक्टिविटी इंटरनल है वो बड़ी है, और अकेला ऐसा सेक्टर जिसके पास सबसे बड़ा ग्रीन एरिया है, यानी इन्वायरमेंट एरिया है, NGT एरिया है, सिक्योरिटी का एरिया है, गोल्फ का एरिया है, पार्क वगैरह टोटली, वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसके अंदर सेक्टर 80 के अंदर HSIDC ने ऑक्शन किया था, ऑक्शन के अंदर यहाँ पे 4 डेवलपरों ने लैंड पार्सल खरीदे जिसका टोटल बजट 500 करोड़ के आसपास था, क्योंकि सेक्टर 80 के अंदर बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा मैप के अंदर कि कितने रेजिडेंशियल एरिए यहाँ पे बनने वाले हैं। सेक्टर 80 का मैप है, अभी हो सकता है आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा हम मोटा मोटा चीज़ें मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। ये जो रोड है ये है दिल्ली जयपुर हाईवे, नेशनल हाईवे NH8 जिसको हम आज के दिन बोलते हैं, तो नेशनल हाईवे NH8 के साथ लगता हुआ सेक्टर 80 है। इससे इधर की बात करें तो सेक्टर 81
और इधर 82, 83 वाटिका के DLF है, वाटिका इंडिया नेक्स्ट यहाँ पे बनती है। ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आता है, ये सारा है कर्मा लेक का। 270 एकड़ का ये लैंड पार्सल यहाँ पे आता है। ये सारा जो है ये ग्रीन एरिया, यहाँ पे गोल्फ हैं। मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कॉन्शियंट का प्रोजेक्ट बताया था, उसके अंदर ये एरिया प्रॉपर दिखाया था। तो ये एरिया सारा ग्रीन एरिया आता है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये सेक्टर 1 है मानेसर का, जो कि रेजिडेंशियल सेक्टर है, जिसके अंदर प्लॉट हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे DLF का एक प्रोजेक्ट है, स्टक हो गया था। उसके बाद यहाँ पे स्कूल एजुकेशन, ऐसी स्थिति है आज के दिन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ये 60 मीटर रोड है जो आगे चला जाता है, ठीक है, ये भी बनना है। ओके, ये थोड़ा बहुत यहाँ से पार्ट ये बना हुआ है आगे का, और इधर सेक्टर है 78, और यहाँ से ऐसे हिट होता है जो आपका SPR रोड की तरफ से आता है, तो यहाँ पे टी पॉइंट बनता है आज के दिन। ये सेक्टर 79 है, जहाँ पे M3M है, यहाँ पे M3M का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैप्सको का भी है, गोदरेज का यहाँ पे है, ठीक है, सिग्नेचर ग्लोबल का यहाँ पे है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं। 78 के अंदर ज़्यादातर ग्रीन एरिया है, अगर मास्टर प्लान इंटरनल डेवलपमेंट देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन एरिया है। और आज के दिन ये वाला जो एरिया है, ये जितने भी आप रोड देख रहे हैं, ये एरिया सारा HSIDC के अंदर है, और ये टोटल जो लैंड है वो 200 एकड़ है, ठीक है। 200 एकड़ के अंदर कि मैं तो ऑक्शन कर दी डेवलपर्स को वो सारी चीज़ें। अब मैं एक एक चीज़ आपको जूम करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या बनना है। ज़्यादातर लोगों की के कमेंट भी आए थे कि इस एरिए के अंदर कुछ नहीं बनना है, ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, और हो सकता है फिर ये चीज़ें आप समझ भी जाओगे। ये 60 मीटर का यहाँ पे फ्लाईओवर बनता है, जिसको हम रामपुरा चौक रामपुरा फ्लाईओवर भी बोलते हैं। NH8 के साथ में 60 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, ठीक है, जहाँ से RRTS का भी प्लान है। 24 मीटर की सर्विस लाइन ये नेशनल हाईवे NH8 के ऊपर आती है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक कमर्शियल का पैच यहाँ पे बना हुआ है, ओके, वहाँ भी आपने ट्राई किया होगा क्योंकि प्रोजेक्ट वो स्टक है। उसके बाद एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो ये एरिया है, ये 6.90 एकड़ है, जिसमें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, वो डेवलप करनी है। इसको हम फेज 3 बोलते हैं IMT मानेसर का, क्योंकि HSIDC का है तो यहाँ पे फेस है, और HSIDC अभी नया फेस डेवलप करेगा आपका फेज 6, जो मानेसर से आगे और KMP के साथ लगती हुई बेल्ट है, उसका भी प्लान है, उसमें कभी अदर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर ग्रुप हाउसिंग नंबर 8, ये है 8.69 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग यहाँ पे है। मैंने आपसे बोला था ना कि इसके इंटरनल जो रोड हैं वो 30 मीटर के हैं, तो ये 30 मीटर रोड आप जो देख रहे हैं, इंटरनल रोड 30 मीटर के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो ये ग्रीन एरिया आप जो देख रहे हैं, ये कर्मा लेक का यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे गेट लगा हुआ कर्मा लेक का, यहाँ से भी ऐसे रास्ता है, ये नाला नहीं है, इस नाले के ऊपर से ऐसे रास्ता बनाया हुआ है, ठीक है, तो ग्रीन एरिया है। तो ये वाली ग्रीन बेल्ट होगी, इसमें ग्रीन एरिया आ गया। फिर ये 30-30 मीटर की इनकी यहाँ पे रोड है, जो फिर यहाँ पे ये अदर लैंड यहाँ पे आ जाती है। और देख लेते हैं ग्रुप हाउसिंग नंबर 6, 8 एकड़ की, ग्रुप हाउसिंग नंबर 9, 9.93 एकड़ की, फेज 2 यहाँ पे इस वाले एरिया में फेज 2 इसको को नाम दे दिया है। उसके बाद एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के लिए भी लैंड पार्सल है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि अफोर्डेबल की कितनी लैंड इस सेक्टर के अंदर आनी है, कितनी रेजिडेंशियल के लिए आनी है। तो 15 एकड़ के लिए एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट यहाँ पे प्लान किया जाएगा। फिर एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट यहाँ पे प्लान किया जाएगा 2.22 एकड़ का। उसके बाद ग्रुप हाउसिंग नंबर 11, ये है 8.8 एकड़ की। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 30-30 मीटर के रोड जो 60 मीटर में मिलने हैं। उसके बाद यहाँ पे कमर्शियल यूज के लिए है 2.32 एकड़ लैंड पार्सल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी नंबर 12, ठीक है, 10.71 एकड़ की। तो यहाँ पे बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी ग्रुप हाउसिंग रेजिडेंशियल के तौर पे, यानी हाई राइज प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मल्टीपल आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, और हाई रेट के अंदर देखने को मिलेंगे। इसलिए कहता हूँ कि आज के दिन जो कॉन्शियंट पार्क 80 का जो प्रोजेक्ट आप मिस कर रहे हो, वो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आने वाले समय में
ये जो चीज आनी है ये तो आनी है, ये तो आप जानते हैं, ये तो मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी पास हैं, तो यहाँ पे आएंगे, तो आएंगे तो भाई साहब रेट तो बढ़ेंगे ना आगे जाके, ठीक है। और चीज आपको बता देता हूँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। स्टेडियम की यहाँ पे लैंड पार्सल है, जैसे पॉकेट अलग अलग, यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी यहाँ पे आनी है। ग्रुप हाउसिंग नंबर 4 ये है 10.5 एकड़ की, और उसके बाद ग्रुप हाउसिंग नंबर 1 ये है 11.32 एकड़ की। ये छोटे छोटे पैच बना रखे हैं इन्होंने। उसके बाद ग्रुप हाउसिंग 3C 2.53 एकड़ की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे हेल्थ सेंटर यहाँ पे बनना है, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा, रिजर्व फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। ग्रुप हाउसिंग 3B 2.54 एकड़ का यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन यहाँ पे है। क्लब के लिए भी अलग से साइट है यहाँ पे, इस ओपन के लिए क्लब बनाया जाएगा। क्लब साइट 1.94 यानी 2 एकड़ का क्लब है कि यहाँ पे। ग्रुप हाउसिंग 3A 2.70 एकड़, ग्रुप हाउसिंग नंबर 3 5.56 एकड़, फायर स्टेशन के लिए 1 एकड़ समथिंग यहाँ पे लैंड पार्सल है। ये आपके पेट्रोल पंप के लिए यहाँ पे जगह है। उसके बाद ग्रुप हाउसिंग नंबर 2, तो इसमें देख लो अब कितनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे बनाई जाएंगी। टोटल 12 प्रोजेक्ट यहाँ पे आने हैं। इसके अंदर कुछ रोड तो इसमें है ना, 18 मीटर के रोड भी हैं, 30 मीटर के रोड भी हैं, और फिर 60 मीटर का रोड आता है। 12 मीटर का कोई रोड नहीं है इंटरनल इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो सारे की सारी जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आने हैं वो सारे अच्छे प्रोजेक्ट आने हैं। ग्रीन एरिया है, ये पार्क के लिए 2.25 एकड़ का लैंड पार्सल यहाँ पे प्रॉपर पार्क का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अपोजिट बात करो तो यहाँ 79 है और उधर सेक्टर 78 का जो है डिवाइडिंग रोड है, ऐसे जाता है। इधर 78 है, इधर 79 का ये प्रोजेक्ट है। ये सारा ग्रीन एरिया है जो हमने देखा था। अब मैं आपको लैंड पार्सल बताता हूँ किसका कितना लैंड पार्सल इस एरिए के अंदर आने वाला। तो दोस्तों ये है HSIDC, ठीक है। HSIDC के अंदर आता है सेक्टर 80, क्योंकि सेक्टर 76 से लेके सेक्टर 95 के जो गुड़गांव के जो सेक्टर हैं सारे के सारे मानेसर के अंदर आते हैं, ठीक है। सेक्टर 80 के अंदर आप रेजिडेंशियल देख रहे हैं, ओपन स्पेस आपको मिलेगा, ठीक है। नाम आएगा इसमें मानेसर का, ठीक है, गुड़गांव का नाम नहीं आएगा, पर मानेसर का नाम यहाँ पे आएगा। इसमें अगर मैं आपको चीज़ें बताऊँ, सेक्टर 80 के अंदर जो टोटल लैंड पार्सल HSIDC का आता है वो टोटल है 200 एकड़ का लैंड पार्सल, ठीक है। जो मैंने एरिया दिखाया वो 200 एकड़ है, ठीक है। एरिया अंडर ग्रुप हाउसिंग साइट विदाउट NILP, NILP का मतलब होता है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी लॉ, यानी ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी के अंदर जो बेनिफिट है वो दिए जाते हैं और उसी के बेनिफिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो थी उस टाइम वो है 19 एकड़ के अंदर, यानी ये ऑक्शन हो चुकी है, ये वाली जो लैंड पार्सल है 19.14 की जो एकड़, ये अंडर ऑक्शन के अंदर ये साइट से वो है, वो हो चुकी है। उसके बाद अगर हम मैं बैलेंस की बात करूँ, बैलेंस एरिया अंडर NILP के अंदर कितना है, 181 एकड़ और बच गया, ठीक है। इसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 10% यानी 18 एकड़ के का लैंड पार्सल आएगा। कम्युनिटी फैसिलिटी के लिए 10% यानी 18 एकड़ आएगा। इसके अंदर कमर्शियल का 4% यानी 7.25 एकड़ इसमें आएगा। अगर हम इन सब को मिला देंगे तो तकरीबन 155 एकड़ और रेस्ट अभी बच जाता है। इस सेक्टर का जो टोटल FAR है वो है 226.66 एकड़ तक हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी 18.8 एकड़ कमर्शियल, ठीक है। उसके अंदर क्लब का लैंड पार्सल ये वाला एरिया है। फायर स्टेशन के लिए 1.16 एकड़ है। पुलिस पोस्ट स्टेशन के लिए 0.4 एकड़ है। हेल्थ सेंटर यानी इंस्टीट्यूशनल के लिए 0.90 एकड़ है। इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन 1.50 एकड़ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पार्क के लिए 11.98 एकड़ है। स्कूल साइट यानी इंस्टीट्यूशनल के लिए 1.36 एकड़ है।
उसके बाद अगर टोटल लैंड पार्सल अगर मैं ये देखूं तो ये 19 एकड़ यानी 19.25 एकड़ का लैंड पार्सल ये वाला आपका आ जाता है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप करनी है। यानी इसके अंदर वो सारी ज़रूरतें आ गई जो इस सेक्टर को ज़रूरत में आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें कमर्शियल के अंदर देखते हैं हम क्या क्या आएगा। जब हमने मैप देखा था तो उसमें पॉकेट 1, पॉकेट 2 से लेकर डी और जो स्टेशन है आपके पेट्रोल पंप के, ये सारे मिला के टोटल 7.25 एकड़ का लैंड पार्सल बनता था, जहाँ कहीं कहीं आपके कमर्शियल एक्टिविटी सेक्टर के अंदर है वो डेवलप की। 4 पॉइंट पे है एरिया अंडर ग्रुप हाउसिंग साइट विद NILP, यानी जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका बेनिफिट मिलेगा कितना, 77.70 एकड़ को, क्योंकि उसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। और एरिया अंडर इंस्टीट्यूशनल साइट, ठीक है, 5.28 एकड़। एरिया अंडर टू बी प्लान लेटर, ये बाद में किया जाएगा, 2.13 एकड़ का। एरिया अंडर RR पॉलिसी, ये RR पॉलिसी क्या होती है, 7.18 एकड़। इसमें आर का मतलब है रीसेटलमेंट एंड आर है रिहैबिलिटेशन, जिसके अंदर अगर मैं रीसेटलमेंट की बात करूं तो इसमें वो आते हैं कि जिसमें मान लीजिए सेक्टर 80 के अंदर कुछ लोग रहते हैं, उनकी एक्वायरमेंट उस एरिया के अंदर आ गई है, कुछ मकान आ गए हैं, उनको किसी दूसरी जगह बसाया जाए। ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई कि जहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसमें रोड आपका कोई रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करनी है, कुछ अलग की डेवलपमेंट है वहाँ पे वो करनी है, प्लॉटिंग डेवलपमेंट करनी है, उस एरिया को डेवलप करना है, तो ये सारी चीज़ें फिर उन लोगों को किसी दूसरी जगह बसाया जाना रीसेटलमेंट का हिस्सा होता है। को ग्रोथ मिले, उनको बढ़ावा, जैसे कि उन लोगों को उस एरिए के अंदर जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति को थोड़ा सुधारना, नौकरी के नए अवसर देना, स्किल डेवलपमेंट का को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें RR की पॉलिसी के अंदर हैं, वो आती हैं। तो इसमें कितना आ गया, 7.1 एकड़ इसके अंदर वो डेवलप किया जाएगा। यानी कुछ ऐसे एरिए हैं जिसके अंदर लोगों को बाहर बसाया जाएगा, और कुछ है, कुछ लैंड पार्सल ऐसा है जिसके अंदर वहाँ की इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए अलग से जॉब अपॉर्चुनिटी, स्किल्स या अदर भी बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं वो किए जा सकते हैं, जिससे वहाँ पर लोगों को बेनिफिट मिले। एरिया अंडर रोड ग्रीन बेल्ट ओपन स्पेस, इसके अंदर आएगा 44.41 एकड़। यानी एरिया अंडर रोड, यानी जो 30 मीटर के रोड आपने देखे, 18 मीटर के रोड है, बाकी भी बहुत सारा एरिया है। इसमें ये दिखाया गया है कि किस किस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कितने परसेंट FAR है, कितने लोग पर एकड़ वहाँ पे रह सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी है दोस्तों इंटरनल, जिसके बिहाफ पे हम अपने इन्वेस्टर्स को एक बेनिफिट देते हैं कि उसको कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है वो परचेज करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आज भी आप लोगों को कहता है कि सेक्टर 80 के अंदर अगर आप चाहते इन्वेस्टमेंट करना तो तुरंत मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी सेक्टर 80 के अंदर 3, 3.5, 4 के आसपास की प्रॉपर्टी वहाँ पे मिल जाती है। सेक्टर 79, 78 से बहुत ज़्यादा बेटर है सेक्टर 80, क्योंकि 80 के पास वो सारी चीज़ें हैं जो सेक्टर 79 में नहीं है और सेक्टर 78 में नहीं है। वैसे भी मैं आपको बता दूँ, दो आपका जो SPR रोड है, SPR रोड से सेक्टर 80 तक DLF की तकरीबन 600 एकड़ की डेवलपमेंट अभी आनी है, तो वो जो एरिया है वो अलग ही रूप के अंदर वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, सारा का सारा ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट के ऊपर है, उस एरिया को उभारा जाएगा। तो यहाँ पे अभी HSIDC ने बहुत सारे ऑक्शन करने हैं, और HSIDC महंगा लैंड पार्सल बेचेगा, जिसकी वजह से डेवलपर सस्ती प्रॉपर्टी लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो लैंड पार्सल है ऑलरेडी बहुत महंगा होगा। इसका एग्जांपल आप लोगों ने ग्लोबल सिटी के अंदर भी देख लिया होगा कि इतना महंगा लैंड पार्सल है कि डेवलपर ऑक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी ग्लोबल सिटी में, एक नई तरीके की डेवलपमेंट होगी जो इस एरिए को डेवलप करेगी, और HSIDC जिस भी सेक्टर को डेवलप करता है वो वेल प्लान डेवलपमेंट का हिस्सा है। जैसे मानेसर को आप देख सकते हैं, मानेसर का सेक्टर 1 देख सकते हैं, उसके बाद अब जो ये कुछ सेक्टर मानेसर के अंदर दे दिए हैं गुड़गांव के, तो न्यू गुड़गांव के अंदर आपने अभी देखा होगा न्यू रीडेवलपमेंट का
काम है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर रोड्स दोबारा बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर कई जहां पे फ्लाईओवर की समस्या आ रही थी वहां पे न्यू फ्लाईओवर का जो प्लान है वो किया जाएगा। चौक के ऊपर जैसे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ पे जो फ्लाईओवर है वो पास कर दिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी और बातें हैं जिसमें हम मिल के डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि सेक्टर 80 के बाद की जो डेवलपमेंट है वो बहुत दूर है आगे, ठीक है। क्योंकि सेक्टर 80 लास्ट डेवलपमेंट का पार्ट है गुड़गांव का, उसके आगे अगर आप देखोगे KMP फिर धारूवेड़ा भी आपके ये वाला जो एरिया है वहाँ पे जाके आपको डेवलपमेंट देखने को मिले, क्योंकि बीच में सारी नेशनल हाईवे NH8 के साथ HSIDC का लैंड पार्सल है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, गूगल फॉर्म भर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।